देखो हम बोरिक अम्ल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि बोरिक अम्ल की संरचना कैसे बनाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन आता है H3BO3 की संरचना लिखिए या बोरिक अम्ल की संरचना बनाइए, है ना, या BO3- आयन की संरचना बनाइए। जो बोरिक अम्ल जो होता है, बोरिक अम्ल जो होता है वो धनायन और ऋणायन के रूप में टूट जाता है। बोरिक अम्ल जो आपका होता है H3BO3 धनायन और ऋणायन के रूप में टूट जाता है, तो BO3 3- के रूप में होता है और H3 3+ के रूप में होता है। अब इसकी संरचना बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना, आप चुटकियों में सीख जाओगे, है ना, चुटकियों में। सबसे पहले अपना एक क्या हो गया, बोरान हो गया, एक बोरान आपका ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक बोरान हो गया बोरान। और दूसरा बोरान आपको इसके नीचे रख देना है, ये दूसरा बोरान जो हो गया, है ना। पेपर में संरचना आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भूल जाओगे कहाँ दो बॉन्ड है कहाँ तीन बॉन्ड है, फिर नकल मारोगे आजू आजू वाले की, उससे अच्छा भी सीख लो। और उसको अगर तुमने खाली देखने सीख जाओगे लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। रख दिए यहाँ पर, इसके बाद एक बुरान आपको यहाँ पर यह रखना है, एक बुरान आपको यह रखना है, फिर अगला बुरान आपको यह रखना है, रंगोली डालते बिल्कुल वैसी आसान है ना, ठीक। इसके बाद हो गया आपका बुरान, अब कुछ मत करो, एक ऑक्सीजन यहां पर यह रख दो और एक ऑक्सीजन यहां पर यह रख दो, एक ऑक्सीजन ये रख दो और एक ऑक्सीजन ये रख दो, रख दिए, एक ऑक्सीजन यहां पर ये रख दो। और रखने के बाद इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन, क्लियर। अब मिला दो, इसको इससे मिलाओ, 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 बन गया। इसके बाद ये ऐसा हो गया, दो बोरान के बीच में दो चार ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अब अगला बोरान देखो, यहां पर भी आपको दो बोरान हो गए, अब इन दोनों बोरान के बीच में जी होगा ना, है ना, इन दोनों बोरान के बीच में पहला ऑक्सीजन ये हो गया, पहला ऑक्सीजन ये हो गया और दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया, हो गए दो ऑक्सीजन, इस एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, है ना, ये एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन, इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, दी मिला दिए, बन गया। अब ये दो बोरान आपके हो गए, इन दोनों के बीच में चार ऑक्सीजन रहेंगे, पहला ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया, तीसरा ऑक्सीजन ये हो गया और चौथा ऑक्सीजन ये हो गया, दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन, एक को ऐसे मिला दा है, एक को ऐसे मिला दा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला दिए, मिला दिए, मिला दिए। इसके बाद, इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा खोल दो उसको, इसके ऊपर भी क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, उधर एक हाइड्रोजन अपन निकाल दिए, निकाल दिए, इधर भी थोड़ा खोल दो उसको, ये खुला रहेगा, रहेगा ना खुला, जब बोरान को भी अपन ने ऑक्सीजन रख दिए और एक हाइड्रोजन रख दिए, इसको भी अपन ने खोल दिए, हाइड्रोजन आ गया आपका, इसको भी आपने खोल दिए, एक ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब देखो कैसा बना H3BO3, अब समझना अच्छे से, तीन हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं, ये संरचना BO3 के रखेगा, एक बोरान और ये तीन ऑक्सीजन, BO3 रखा, एक बोरान और तीन ऑक्सीजन, HBO3, BO3, एक बोरान और तीन ऑक्सीजन, BO3, एक बोरान और तीन ऑक्सीजन, ये हो गया आपका BO3 हो गया, है ना। देखो मैंने इसको बनाया था, मेरे को अभी तक याद है,
कम से कम 7 साल बाद बना रहा हूँ मैं वाली चित्र। 11th क्लास में बनाया था, लेकिन 3 बार 4 बार बनाया था मैंने, प्रैक्टिस कर रहा था, समझ के बनाया था, अभी तक याद है ना। ठीक, ये चित्र है, इसको आपको बनाना है।